हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मेरे साथ एक अजीब बात हो गई, सोचा आप लोग से शेयर करूं। तो आप लोग बताना कि मैंने सही किया या गलत। तो मेरे शॉप में एक पुराने फ्रेंड आए, पुराने दोस्त, मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे। तो उसकी शायद 2-3 महीने पहले शादी हुई थी। शादी में मुझे इनवाइट नहीं किया था, गांव से शादी किया था। मैंने उससे बोला तो बोला कि गांव से शादी किया था तो मैंने आपने इन्वाइट नहीं किया। तो हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, तो आए आते के साथ बैठे, तो मुझे बोला कि देखो ना यार, एक नंबर नहीं लग रहा है। बाइक था उनका, स्प्लेंडर। तो बोला कि देखो ना यार, एक नंबर नहीं लग रहा है, मैं काम में बिजी था। तो मैंने उन्हें एक बोतल पानी ला कर दिया, तो वो खुश हो गया। चलो पानी पूछा मुझे, पानी मैंने दिया, उन्होंने पानी पी गया, पी लिया सारा पानी। उसके बाद में फिर मैं काम करने लगा, फिर बोला हमको देखो ना यार, एक नंबर नहीं लग रहा। फिर मैंने उसे एक बोतल पानी दिया, तो उसने कहा कि यार मैंने तो अभी पानी पी लिया, फिर तुमने पानी क्यों दिया मुझे। तो मैंने कहा यार पानी पियोगे तभी तो एक नंबर लगेगी ना। तो उसने बहुत दूर तक मुझे दौड़ाया है भाई, बहुत दूर तक। मैं काम कर रहा था, बहुत दूर तक दौड़ाया। मैंने सोचा कि क्या करूं, वो मुझे दौड़ाते गया। और मेरे दुकान में जितने भी कस्टमर लोग बैठे हुए थे बहुत हंस रहे थे। तो फिर मैं उधर से आया, मुझे एक दो फट मारा भी। तो मैंने कहा यार तुम ये बोलो ना कि मेरी गाड़ी में एक नंबर नहीं लग रही है, तुमने तो मुझे कहा कि मुझे एक नंबर नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा तुम्हें पानी दूं, पानी देने के बाद मुझे सोचा तुम्हें एक नंबर लग जाएगी, मुझे क्या पता था तुमने, बट तुमने बोला गलत। सारे लोग हंस रहे थे। अब आप ही बताओ मैंने क्या कुछ गलत किया। अब उन्हें कहना चाहिए कि मेरी बाइक में एक नंबर नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक नंबर नहीं लग रहा, तो मैं उन्हें पानी ही दूंगा ना। आप लोग रहोगे तो क्या करोगे, उन्हें पानी ही दोगे एक नंबर लगने के लिए। क्या मैंने गलत किया, आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना।